ये बकायदा अमेरिका से इंपोर्ट हुए हुए कीड़े हैं। ये एक इमर्जिंग बिजनेस है पाकिस्तान का। इस एक ट्रे में जो है ये 10,000 से ज्यादा मील वर्म्स मौजूद हैं। हमने जो है 10,000 पीस जो है वो हमने यूएस से लिए थे, उस पर बाकायदा तौर पे हमने स्टडी की, सारी चीजें की, तो आज माशाल्लाह आपके सामने रिजल्ट है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, हम पाकिस्तान में इसकी माशाल्लाह डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान को किस इंडस्ट्री की जरूरत है, और आने वाले 2030 तक इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी मार्केट बनने वाली है। और यकीन करें हमारे पास इतना ज्यादा इसके ऑर्डर आया हुआ है कि हम इसको पूरा ही नहीं कर पा रहे। ये ड्राई फॉर्म है, आप यकीन करें इसकी इतनी ज्यादा मार्केट है, लिटरली बता रहा हूँ, डेली हमें कोई ना कोई कॉल आ रही होती है और वो क्वांटिटी मांग रहे होते हैं, हम स्टॉक पूरा नहीं कर पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल, मैं हूँ फरहान जफर। ये इस वक्त मेरे हाथ में जो आप कीड़े देख रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा कि यहाँ से जमा करके जो है वो इस कमरे से निकाल के यहाँ पर जो है रख दिए गए हैं, ये ऐसा नहीं है। ये बाकायदा अमेरिका से इंपोर्ट हुए हुए कीड़े हैं, और ये यहाँ पर इस वक्त आपको पीछे सेटअप नज़र आ रहा होगा, एसी नज़र आ रहा होगा, ओवन नज़र आ रहा होगा। ये एक इमर्जिंग बिजनेस है पाकिस्तान का, इसको मील वर्म्स कहा जाता है, और इन इंसेक्ट्स, उन कीड़ों का जो बिज़नेस है वो पाकिस्तान में शुरू हो गया है। इस वक्त मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ये काम करते हैं, और ये बताएंगे कि ये किस तरीके से इन कीड़ों का बिज़नेस कर रहे हैं। आपको 800 ट्रेज जो हैं वो इस रूम में नज़र आ रही होंगी, और इस वक्त कितनी तादाद में ये मौजूद हैं। इस एक ट्रे में जो है ये 10,000 से ज़्यादा मील वर्म्स मौजूद हैं, और ये बताते हैं कि इन्होंने बहुत थोड़ी तादाद में जो है अमेरिका से इंपोर्ट किए थे, और अब इस वक्त पाकिस्तान में ये किस तरीके से फरोख्त होते हैं, किस तरीके से इनका बिज़नेस किया जाता है, इसमें कितना मुनाफा है, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू कर लिया जाता है, ये बड़ी एक हैरत अंगेज़ चीज़ है जो कि आज हम बिलाल से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई इधर कोई बच्चा पाकिस्तानी ना ला देना, सारे मार देगा आगे। नहीं कीड़े आ गए हैं। नहीं, ये इसका जो असल नाम है वो मील वॉर्म्स है। इसका जो यहाँ से जो इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी वो मैं बता देता हूँ कि हमने जो है 10,000 पीस जो है वो हमने यूएस से लिए थे, ठीक है, क्योंकि उसकी असल वजह ये थी कि हमने कुछ ऐसी बर्ड्स हमने लिए हुए थे जो कि इसकी ज़रूरत थी, और वो हमें पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं थे। अच्छा, आपके पास बर्ड्स थे, आपने वो खिलाने के लिए यूएस से मंगाए थे? नहीं, उसके हमने पहले देखा कि वो नहीं है, तो फिर हम इसको यहाँ पर लेकर आए 10,000। जी, तो फिर हमने इसकी ब्रीड, हमने कहा क्यों ना कि हम इसको ब्रीड करें, हम पाकिस्तान में ही इसको एक इंडस्ट्री डेवलप करते हैं, तो वो चीज़ जो है फिर हमने एक विजन था हमारा, तो उस चीज़ को हमने किया, तो वो आज माशाल्लाह जो है वो मल्टीपल होता गया होता गया, और आज माशाल्लाह आपके सामने उस सारे। यूएस से जब आपने इंपोर्ट किए तो कितने में पड़े थे, कॉस्टली? देखिए ये तो अभी इतना कन्फर्म नहीं है, क्योंकि वो तो उस टाइम के आज से कोई 2.5-3 साल पुरानी बात है ये, लेकिन ये है कि वो हमारे रेंज में आ गए थे कि हम इजीली उसको बाकायदा तौर पे बाय फ्लाइट हम इजीली लेकर आ चुके थे, उसमें कोई इशू नहीं हुआ था हमें। बट हमने कहा कि अब ये क्योंकि हम बार बार वहाँ से लेकर आना, वो भी जारी बात है, डॉलर्स का आप रेट देख रहे हैं क्या चल रहा है, बहुत कॉस्टली चल रहा था, तो हमने कहा क्यों ना हम इसी को डेवलप करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं, इस पर स्टडी करते हैं, तो उस पर बाकायदा तौर पर हमने स्टडी की, सारी चीज़ें की, तो आज माशाल्लाह आपके सामने रिजल्ट है। तो जब आप अमेरिका से इसको इंपोर्ट करके लाए थे, उससे पहले आपसे पहले कोई काम नहीं कर रहा था? कर रहा था यहाँ पे, कोई भी नहीं कर रहा था, और बाकायदा तौर पर लोगों को ये ज़रूरत थी। जब हमने पाकिस्तान में इसको थोड़ा बहुत लॉन्च किया, जब चीज़ें देखी हमने, तब हमें अंदाज़ा हुआ कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, हम पाकिस्तान में इसकी माशाल्लाह डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे, डेली इतना हो जाए। कौन ले रहा है, कौन खा रहा है ये? इसके बहुत सारे हैं, एक कोई एक नहीं है, जैसे बर्ड्स मार्केट्स हैं, और उसके अलावा जो है वो फिश मार्केट्स वाले, या कुछ इस तरह के हमारे जो दोस्त हैं, या इस तरह के कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़े एक्सपेंसिव बर्ड्स या कुछ ऐसी चीज़ें रखी होती हैं, जिनके ये रूटीन में लाजमी से लाजमी देना होता है, इनके जो फूड्स वगैरह होते हैं या उनके जो विटामिन या प्रोटीन्स होते हैं उसमें ये लाजमी देना आपने। जैसे हम इंसान जो है अपनी प्रोटीन को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ अज़ा खाते हैं, मीट वगैरह या इस तरह का हम जो बीफ वगैरह, परिंदों वगैरह के लिए जो है वो ज़्यादातर ये यूज़ होता है। जी ये जी आप देख रहे हैं इस वक्त कि ये आपको बिज़नेस की एक छोटी सी आउटलाइन हमने समझाई है कि ये जो मील वर्म्स हैं ये परिंदे खाते हैं, और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे शौकीन हज़रात मौजूद हैं जिन्होंने बहुत बहुत बड़ा सेटअप, लाखों करोड़ों का सेटअप जो है वो अपने घरों में और कमर्शियली किया हुआ है, उनके परिंदों के लिए ये खुराक जो है वो ज़रूरी होती है, जिस तरीके से ये भी कर रहे थे, और इन्होंने जो है वो फिर जब अमेरिका से इम्पोर्ट किया तो उन्होंने कहा क्यों ना पाकिस्तान में ही जो है इसकी ब्रीड करवाई जाए, और इसको यहीं पर जो है इंडस्ट्री इसकी शुरू कर दी जाए। आपको पता था ये तो काम ही शुरू हो जाएगा, तो बिज़नेस ही बन जाएगा? देखिए एक चीज़ की एक ज़रूरत होती है, जब हमने एक अंदाज़ा हुआ कि क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ के लोगों को भी बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ की,
तो लेकिन कोई स्टैंड उठा नहीं रहा था, तो हमने कहा चले हम ही इस पर कुछ कोशिश करते हैं आहिस्ते आहिस्ते करके। तो फिर हमने इसको डेवलप करना शुरू किया और माशाल्लाह से लोगों ने काफ़ी हद तक फिर हमें ऑर्डर्स दिए, चीज़ें दी, तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि इसमें एक पाकिस्तान को किस इंडस्ट्री की ज़रूरत है और आने वाले 2030 तक इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी मार्केट बनने वाली है। अच्छा, इनकी खिदमत भी हम आपको बताएंगे उसी तरीके से हो रही है जिस तरीके से लाखों करोड़ों के परिंदों की जाती है, जानवरों की जाती है, उसी तरीके से इनकी भी खिदमत हो रही है। इनके लिए भी रूम टेम्परेचर सेट किया गया है, इनके लिए भी AC लगाया गया, इनके लिए भी साफ सुथराई का जो है वो इंतजाम किया गया है। और आप देख सकते हैं जो ट्रेज रखी हैं वो भी कितने तरतीब से रखी हुई हैं। थोड़ा सा आपको विजिट कराते हैं, बिलाल साहब आए, थोड़ा सा ये बताएं, पहले ये बताएं ये बना कैसे, फिर उसके बाद आगे जो आपके पास चीजें हैं। दो से तीन प्रोसीजर होते हैं, तो ये सबसे पहला तो ये होता है लार्वा, डार्क बीटल का लार्वा होता है, ठीक है। फिर उससे सेकेंड स्टेप जो होता है उसका प्यूपा का होता है, ठीक है। और इसके अलावा थर्ड स्टेप जो होता है इसका वो होता है बीटल्स का, जो कि मैंने वो उससे फिर वो ब्रीड हो रही होती है, फिर वो उसका एक साइकिल होता है वो मैं आपको आगे बता रहा होता हूँ। ये देखें ये जितने भी है ना ये इसकी स्किन है, ये स्किन भी इसकी कहीं आप यकीन करें इसकी कोई चीज़ जो है ना ज़ाया नहीं होती। हाँ, ये भी आपने ये कहीं पर भी ज़ाया नहीं होती, यहाँ तक कि ये चोकर नॉर्मली मार्केट में मिल जाता है, ये इसका जो है ना ये आप देख रहे होंगे फर्टिलाइज़र बन जाता है, जो कि हमारे किसान भाई जो जितने भी हैं वो इसको ले रहे होते हैं क्योंकि ये फसलों में भी बड़ी ज़्यादा जो है ना अहमियत रख रहा है। और यकीन करें हमारे पास इतना ज़्यादा के ऑर्डर आया हुआ है कि हम इसको पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, एडवांस में बुकिंग चल रही है। अच्छा, एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता रहे हैं कि ये जो चीज़ खाता है या जो चीज़ यूज़ करता है एक तो वो भी यूज़ होती है और ये भी जो है वो मर के भी उसका फायदा हो जाता है, या इसको अभी आप ड्राई क्या भी है वो भी मैं आगे आपको एक बताऊंगा। इसकी मतलब इसकी कोई चीज़ जो है वो आया नहीं होती है, हर जगह के रॉ मटेरियल आपको। आगे दिखाते हैं आपको, ये ट्रेज मुख्तलिफ खोलते जा रहे हैं बिलाल साहब। ये इसका फर्टिलाइजर, ये सारा एक ही है मीलवॉर्म में, ये इसका फर्टिलाइजर है जो मैं आपको बता रहा था, ये हमने इनको आज ही डाला था चोकर और ये देखें इन्होंने बिल्कुल जो है वो बारीक कर दिया। ये फर्टिलाइजर, ये नमियाती खाद है जो कि सबसे महंगी खाद है, ये आप देख सकते हैं। ये भी सेल हो जाती है, ये बिल्कुल ये सेल होती है, मैं इसी का आपको बता रहा था। ये दिखाएं जी राणा साहब, अगर यहाँ से थोड़े से निकलें, ये देखें जी, ये डिफरेंट साइज के मौजूद हैं, डिफरेंट साइज में ये सब चीजें कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो एक हम आपको स्टार्टिंग में दिखा के आए हैं मीलवर्म, उसी की सारी ये ब्रीड चल रही है, यहाँ कोई नई चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल वही चीज है और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये डिफरेंट साइज में है क्योंकि इनका एक टाइम पीरियड होता है, स्टेज होता है, हमने सबको एक हिसाब से रखा हुआ होता है, आप देख रहे हैं। आए जी, अब हमें ये दिखाएं जब ये अंडे देने की पोजिशन में आता है या ये जब मुख्तलिफ स्टेजेस में आता है जहाँ पर ये मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करता है, आपको वो भी दिखाते हैं क्योंकि ये सारा सेटअप इन्होंने एक ही इधर जगह किया हुआ। ये भी थोड़ा सा विजिट करा दें आपको, AC लगा हुआ है, बेहतरीन तरीके का इन्होंने जो है वो मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, ये नहीं समझ आ रही, ये तो शक्ल ही चेंज कर गया, अपनी जिंस ही चेंज कर गया। देखिए, ये जो आपको मैंने दिखाया था वो प्यूपा था जो सेकंड स्टेज था इसका, ये उसका थर्ड स्टेप है बीटल्स, जो असल जो इसकी ब्रीड हो रही होगी ना वो इससे हो रही होगी, ठीक है। एक बीटल का जो स्टैंडर्ड जो इसका अल्लाह की तरफ से रखा गया निज़ाम, तकरीबन 300 से 400 अंडे देती है एक बीटल फीमेल। अच्छा जी, तो आप अगर, और इनकी जो लाइफ होती है तकरीबन 180 से 200 दिन, 160 दिन, एक अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम है, फिर उसके बाद ये मर जाता है, ठीक है। फिर इसमें हम लोग ये करते हैं कि जब इनका चोकर होता है ना, अंडों वाला चोकर, इसको हम हर 10-10 दिन बाद अलग कर रहे होते हैं, तो उससे ये होता है कि वो अंडों वाला चोकर अलग हो गया। अगर आपने 100 टाइम 200 टाइम उसको आप मल्टीपल करते हैं, अगर आप एक दफ़ा आप इसको करें हर 10-10 दिन बाद, तो वो वहाँ पे काउंट होता रहता है। अच्छा, ये जो स्टेज है जी, ये स्टेज अंडे देने वाली है। एग्जैक्टली, ये अंडे देने वाली है, ब्लैक में आ जाते हैं तो ये अंडे देना शुरू कर देते हैं। अंडे देने के बाद वो जो प्रोसेस होगा वो दोबारा उधर चला जाएगा। बताता हूँ मैं आपको, वहाँ पे इनके टाइनी जो बच्चे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस फॉर्म में आ जाते हैं जब आहिस्ता आहिस्ता। अंडे तो हमें इंसानी आंख से नजर ही नहीं आएंगे, लेकिन मैं इसके बच्चे हैं वो थोड़े बहुत मैं उसको आपको, इनके भी बच्चे आपको दिखाते हैं। आए जी, ये बिलाल साहब पता नहीं क्या करवा रहे हैं, ये देखें जी, ये इनके छोटे छोटे से बिल्कुल। अच्छा, ये तो ऐसा डर लग रहा है, ये जो हमारी खवातीन देख रही होंगी वो तो वैसे जी, आप यकीन करें रिटेली तौर पे खवातीनों ने हमसे ज्यादातर ऑर्डर दिए हुए, वो भी हमसे ले रही होती है। ये इसका स्किन देख रही है, ये तकरीबन 10 से 12 दफा अपनी लाइफ में स्किन चेंज करता है। अच्छा, ये हमने सुबह में आज डाला था और आप देखिए क्या इन्होंने कर दिया, बिल्कुल। सिर्फ इनको ये वाटर सोर्स पूरा करने के लिए हम दे रहे होते हैं ताकि अपना वाटर सोर्स पूरा करें, अदरवाइज जो है ये इसमें इसी के चोकर को खा के वो जिंदा रहते हैं, फर्टिलाइजर बन रहा है। एक बिल्कुल ठीक है, एक और मोस्ट इंटरेस्टिंग आपको चीज दिखाने लगे, ओवन रखा हुआ है और ये फुल क्रिस्पी बन गए हैं चाय के साथ, इसको खाने का दिल कर रहा है। ये क्या बना दिया ये इसका जो है, ये ड्राई फॉर्म है, आप यकीन करें इसकी इतनी ज़्यादा मार्केट है, लिटरली बता रहा हूँ, डेली हमें कोई ना कोई कॉल आ रही होती है और वो क्वांटिटी मांग रहे होते हैं, हम स्टॉक पूरा नहीं कर पा रहे इतना, क्योंकि टनों के हिसाब से जो है लोग हमसे मांग रहे होते हैं हम उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं इतनी ज़्यादा, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ 2 साल की हो जाती है, वो ईजिली जो है वो लोग इसको रखना चाह रहे हैं ज़्यादातर। ये जो बर्ड्स हैं ये भी सेम वही चीज़ है, लेकिन इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाती है, डिफरेंट यूज़
इसमें 60% प्रोटीन आ जाता है ड्राई करने के बाद, उसमें 45-40 तक का रेशियो होता है, इसमें 60 हो जाता है बिल्कुल ड्राई होने के, क्योंकि इसका जितना भी जो है वो वेट है, जितनी भी स्किन है वो सब ड्राई हो जाती है, तो ये इसका सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटीन्स में। तो ये ज़्यादा, यानी कि आप कह रहे हैं इस वक्त जो है वो मार्केट में इन है ये चीज़? ये बिल्कुल है, आप यकीन कि इतनी डेली की डिमांड आ रही है, तभी हम उन डिमांड को कोशिश करें कि किसी ना किसी तरह कस्टमर जो कंप्लीट है वो हम पूरी कर सकें, जो भी इनकी प्रायोरिटी है। हमारी जी ओवन में ड्राई इन्होंने कर ली, और ये बता रहे हैं कि ये इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, और आपको ये दिखा रहे थे कि किस तरीके से ये मील वॉर्म्स का बिज़नेस जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और ये पाकिस्तान का पहला एक ऐसा सेटअप है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से बनाया गया, जिस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया, जिस तरीके से इसे मेंटेन रखा जा रहा है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से कोई भी एक बड़ा बिज़नेस फिश फार्मिंग का हो, बर्ड्स का हो, जानवरों का हो, उसी तरीके से जो है ये मेंटेन किया जा रहा है, उसी तरीके से इनकी खिदमत की जाती है, और उसी तरीके से जो है वो ये सारे मामला किए जाते हैं। देखिए ये फर्टिलाइज़र है इसका, ये इन्होंने खाया है ठीक है, और ये इन्होंने खाने के बाद ये फर्टिलाइज़र कर दिया इसका। अब ये भी सेल हो जाएगा? ये सेल हो जाएगा। अब ये डेली के लोग हमसे जो ज़्यादातर ये जो फार्मिंग वाले लोग होते हैं वो या हमारे किसान दोस्त हैं वो सब जो है ना इनसे ले रहे होते हैं, तो वो डेली का हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे, उनकी भी एडवांस बुकिंग चल रही होती है हमारे पास डेली का इतना। बस लास्टली जाते रहते बता दें, कोई एक आम बंदा आपको देख के ये इसको आइडिया आ जाए वो आपसे रब्ता करना चाहे, इसमें कितना मुनाफा है? देखें इसमें मुनाफा तो वो जितनी उनकी क्वान्टिटी होगी, वैसे मिनिमम साइड पर जो लोग परेशान होते हैं कि लाखों रुपये हज़ारों रुपये लगाएं तो जाके, ऐसा नहीं, आप 10-15 हज़ार की छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी आप अपना जो है वो ईजिली पूरा कर सकते हैं, लाख तक में फिगर चला जाएगा बिल्कुल ऐसा ही, अगर आप उसको प्रॉपर मेंटेन रखते हैं, इसके टेक्निक्स हैं उसको फॉलो करते हैं, तकरीबन एटलीस्ट 3 से 4 महीने लगते हैं, लेकिन यह कि उसमें आपकी इजीली सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं, फिर आप इसको हज़ारों से लाखों से करोड़ों वो 200 टाइम मल्टीपल होती जाती हैं चीज़ें। और इसके खुराक खुरूक का भी इतना खर्चा नहीं, देख रहे सेब रखें, सेब ये तो अभी हमने रखे, आने वाला आप कुछ भी सब्जी डालते हैं छोटी जो आपको लगता है या इस तरह की जो आपको सस्ती मार्केट में मिल रही हो तो आप इजीली डाल सकते हैं, जैसे आप गाजर है तो हम आने वाले वक्तों में हम गाजर डाल देंगे, मौसम की सब्जी भी डालेंगे तो भी इशू नहीं है, बस इनका वाटर सोर्स पूरा करना होता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपका, इसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, आप लोग ये बिज़नेस कर सकते हैं। बिलाल साहब से रब्ता करना चाहें तो कमेंट्स में आप रब्ता भी कर सकते हैं, और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि ये एक ऐसा बिज़नेस सेटअप है जो कि शायद अभी पाकिस्तान में ज़्यादा इन नहीं है, इसमें कितना मुनाफा है, इसमें कितना जो है वो आप कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, वो भी इनसे आप मजीद गाइडेंस ले सकते हैं, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको जो है वो एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक छोटे से सेटअप से छोटी सी जगह से आप टेम्परेचर मेंटेन रख कर जो है ये काम कर सकते हैं। ये बिज़नेस आइडिया था, कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। न्यू से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।